हमारे स्पेशल हमारे पास है चिकन चिली मिंट है, वो आपको ट्राई करवा देंगे। अच्छा, चिकन चिली मिंट। हाँ जी। और दूसरी बात एक चौमिन है स्पेशल चौमिन, वो उसको ट्राई करवाएंगे। सही है। एक मंगोलियन ट्राई करवाएंगे और एक वीज ट्राई करवाएंगे। मैं आज मौजूद गुजरा हूँ मॉडल टाउन में, और अगर आप स्ट्रीट फूड खाना चाहते हैं और स्ट्रीट फूड में इस लेवल का स्ट्रीट फूड आपको नहीं मिलेगा हर लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से भी, और थोड़ा सा हाइजीन के लिहाज से भी शायद। अलबत्त ये हम लोगों ने, अली भाई ये किसका है सामान? ये चिकन चिली मिंट का। अच्छा, ये चिकन चिली मिंट का सामान है। और इसमें क्या क्या चीजें हैं? ये मिंट आ गया, चिकन फ्राई है। जी जी, शिमला मिर्च, कैप्सिकम है, और ऑनियन है, और हरी मिर्च। अभी इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। जी जी, इसकी ग्रेवी तैयार है। ये चिकन पाउडर है सर। सही है। और ये चीनी है, ये वाइट पेपर आ गया इसमें। सही है। और इसमें आ गया फिश सॉस, स्पेशल फिश सॉस है। ये इसमें नमक की जरूरत नहीं होता जब ये डालता हो। अच्छा। ये यखनी आ गया सर, चिकन स्टॉक आ गया। तो यहाँ पे साथ ही एग फ्राई राइस तैयार हो रहे हैं। जब तक हमारा फूड रेडी होता है, मैं आपको इनकी जरा लोकेशन बता दूँ कि ये आप देख लें कि ये जो रोड है, ये अगर आप सुलेमान स्ट्रीट वाली साइड से मॉडल टाउन की तरफ आ रहे हैं, ये वो रोड है। और ये सामने जो है ना, इस साइड पे आपको गोल पार्क नज़र आ रहा है, जहाँ पर बहुत से लोगों की, गुजरांवाला के लोगों की, बच्चों की यादें नजर आता है। और ये आपको राइट साइड कॉर्नर बिल्कुल शंघाई चाइनीज फूड मिल जाएगा। अभी मंगोलियन तैयार करने लगे। जी जी, ये आ गया रेड चिली सर, ये मंगोलियन का सब्जी जो हम निकाल के रखे थे। इसके अंदर आएगा यखनी, चिली सॉस, हल्का सा नमक, और चिकन पाउडर हल्का सा, और थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा वाइट पेपर। जी जी, खास गिलगित करदू का है आगे। अच्छा, करदू क्या है? खास करदू क्या है या उससे भी आगे कहीं? उससे भी आगे है सर, सबलों का है। गुजरांवाला आपने पहले किसी होटल में भी काम किया? नहीं सर, गुजरांवाला में पहली बार का। तो यहाँ पे आपको क्या ख्याल आया जो आप गुजरांवाला आ गए हैं? सर, गुजरांवाला में बस ऐसा ही, इधर में आए थे सामान लगाने के लिए, फिर मैं सोचा यार इधर भी चाइनीज़ का थोड़ा बहुत काम होना चाहिए। अच्छा। जो आम सबको, छोटे से लेके बड़े तक को, सबको स्टैंडर्ड वाला टेस्ट मिल जाए। अच्छा, माशाल्लाह। ये नूडल है सर, हम खुद बनाते हैं। अच्छा, नूडल भी खुद बनाते हैं? जी जी जी, हम खुद बनाते हैं। अच्छा जी, इनका जो ये मेन्यू है, इसमें जो गार्लिक चिकन है वो 250 का है, सबसे सस्ता वही है मेरा ख्याल है ना। जी जी। इसके बाद जो इनका जो मतलब सबसे महंगा है वो 350 रुपये का है। तो मतलब 350 में वो क्वांटिटी मिलती है हर आइटम की, जिसमें आप दो लोग खा सकते हैं बड़ा इजीली। जैसे ये मंगोलियन आ गया, तो ये एक फ्राई राइस आ गए। जी, फूड आ चुका है। ये हमारा चिकन मंगोलियन विद राइस है, ये हमारा चिकन ग्रीन मिंट था वो विद राइस है, ये हमारे हनी विंग आ गए, ये हमारे चाउमीन आ गया हमारा। और क्वांटिटी आप देख सकते हैं, 300 की प्लेट है, और 300 में आप जो है इसको बड़ा इजीली जो है वो खा सकते हैं, दो लोग इजीली खा सकते हैं। बहरहाल इसको पहले ट्राई करते हैं। इसमें इन्होंने मिंट भी ऐड किया हुआ था साथ में, वही रेगुलर चीज़ें जो आपको पहले दिखा चुका हूँ मैं। जी, पहले इसको चेक करते हैं ज़रा। और ये है जी हमारा मंगोलियन, और इसकी भी जो है वो पहले हाल ही ग्रेवी के साथ चिकन ट्राई करते हैं। ओके। तो मैंने थोड़ा मुख्तलिफ मेन्यू इसलिए भी लगवाया था कि यहाँ पे मोस्टली जो है वो यही ऑर्डर करते हैं लोग, वो चिकन मंचूरियन, कैशू नट, ब्लैक पेपर, और वही रेगुलर जो दो तीन ग्रेवीज हमारे मोस्टली चलती हैं यहाँ पे। लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ मेन्यू है, फिर आपको स्ट्रीट फूड लेवल के ऊपर इस तरह का, स्ट्रीट फूड लेवल के ऊपर इस लेवल का फूड भी आपको नहीं मिलता इतने कम प्राइसेस के अंदर गुजरांवाला के अंदर। जो इनका चाउमीन है, और आपको चीज़ बताऊँ, मतलब ये जो नूडल्स हैं, ये इनके अपने तैयार किए हुए नूडल्स हैं, होममेड नूडल्स हैं। ये कोई बाजारी नहीं, मोस्टली हमारे जो कमर्शियल जितने भी चाउमीन तैयार करते हैं, मोस्टली जो है वो स्पैगेटी इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। लेकिन इसका जो एक्चुअल में जो इसका हक बनता है चाउमीन का, वो यही है कि इसके नूडल्स जो है ना वो अलग से तैयार किए जाएँ और फिर वो आपको खिलाए जाएँ। अच्छा, ये चाउमीन है, ये इनके अपने होममेड नूडल्स हैं, तो इसको भी ट्राई करते हैं। रात कितने बजे तक होते हो? रात को 2 बजे तक। 2 बज जाते हैं।
पाँच बजे तो नहीं है, मतलब 7 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको ये प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद इनके पास जो चाइनीज़ सारा मेन्यू है, इनके पास जो मुकम्मल वैरायटी है आपको, इनके पास कैसी नट मिल जाएगा, वो चिकन मंचूरियन मिल जाएगा, शाशलिक मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे ऑर्डर में इनका एक्चुअली ग्रीन मिंट था और मंगोलियन था, हनी विंग से साथ में था जी हमारा चाउमिन। फिर इसके जो फूड के बारे में मैं आपको बता दूँ कि स्ट्रीट फूड लेवल के ऊपर, इस रेट के ऊपर, इस मेयार का आपको चाइनीज़ कहीं से नहीं मिलता, तो उस हिसाब से एक अच्छा फूड है, तो मतलब आपको ज़रूर आके ट्राई करना चाहिए। इसके बाद राइस में आपको 2-3 वैरायटीज मिल जाती हैं, एग फ्राई राइस है, चिकन राइस है, आपको इसमें मसाला राइस, गार्लिक राइस भी मिल जाएंगे, लेकिन सजेस्टेड यही है कि आप लोग इनके एग फ्राई राइस ही यूज़ करें। आप कोई भी ग्रेवी अगर लेते हैं, क्वान्टिटी इनकी ऐसी है कि जो 300 की एक प्लेट है उस क्वान्टिटी में आप 2 लोग खा सकते हैं, यानी 150 रुपया पर हेड आपको बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से बड़ा अच्छा रेट है, बड़ा अच्छा मेयार है और बड़ा अच्छा टेस्ट है। स्ट्रीट फूड के लिहाज से ये एक अच्छा चाइनीज़ फूड कॉर्नर है। मेहमान भाई हैं हमारे और दूसरे शहर से आके यहाँ पे इन्होंने स्टॉल शुरू किया हुआ है, तो उस हिसाब से मेरा ख्याल है इनको वैसे भी प्रमोट करना चाहिए। तो अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।